हेलो क्लास, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? लाजवाब हैं, फर्स्ट क्लास हैं। तो दोस्तों, आज के सेक्शन में, आज के इस नॉलेज भरी क्लास में, आज मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आरबीआई के बारे में। बीइंग द पार्ट ऑफ स्टडी मटेरियल, हम इतना तो जानते ही हैं कि जो आरबीआई है वो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, हेड बैंक है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है पूरे के पूरे मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम का। ओके, और इसके अलावा कई सारे और इसके फीचर्स भी हमने स्टडी करे हैं, जैसे कि एक जो करेंसी इशू है हमारी कंट्री में वो आरबीआई करता है, जो सारे के सारे करेंसी नोट्स हैं एक्सेप्ट 1 रुपी एंड कॉइन्स के अलावा, वो आरबीआई करता है। साथ ही जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको सुपरवाइज करना, उनके अकाउंट्स मेंटेन करना, ये काम आरबीआई का होता है। हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके खाते कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। उन्हें फाइनेंशियल पॉलिसीज पर, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर कौन हेल्प करता है, कौन एडवाइस करता है? आरबीआई। साथ ही जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारी कंट्री में, जो भी आपका फॉरेन रिजर्व है, डॉलर्स, पाउंड्स वगैरह वगैरह, यूरोस, उनकी कस्टडी किसके पास रहती है? आरबीआई। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। और एग्जैक्टली सबसे मेन फीचर जो है इसका, वो है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या? कि इकोनॉमी में मनी को सर्कुलेट करने का काम आरबीआई का है, उसकी सप्लाई बढ़ाना, मनी को कम करना, ये सब चीजें जो कंट्रोल करता है वो कौन है? वो आरबीआई है। ओके, तो ये तो एक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हम अपनी बुक्स में रेगुलरली पढ़ते हैं, बट द मेन थिंग इज कि हाउ आरबीआई ऑपरेट्स, इसको ऑपरेट कौन करता है, इसको चलाता कौन है। तो जैसे ही हम बोले कि भाई यार ये हेड ऑफ द आरबीआई कौन होगा, तो हमने कहीं अपने नोट जो हमें मिलते हैं उस पर देखा है कि गवर्नर होते हैं कोई और उनका साइन रहता है। ओके, कभी आपके रघुराम राजन, कभी आपके उर्जित पटेल, तो मतलब पुराने टाइम से, हमने तो विमल जानाल तक का नाम सुना है। तो ऑब्वियसली कि ये कोई है, बड़ा इंसान है, इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली जो एक आरबीआई है, जो उसका हेड होता है, वो होता है गवर्नर। वो कौन होता है? गवर्नर। लेकिन क्या एक खाली गवर्नर की ही डिसीजन मेकिंग रहती है? क्या वो अकेला ही सारे डिसीजन लेता है? तो आइए उस चीज के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले उससे बेसिक चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो आरबीआई है वो 1 अप्रैल 1935 को एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। आरबीआई को कब स्टैब्लिश किया गया? 1 अप्रैल 1935, ठीक है। उसको अप्रैल फुल में समझ लेना कि सर बेवकूफ बना दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फाइनेंशियल ईयर इस डेट से शुरू होता है, तो उसी दिन इसको एग्जिस्टेंस में लेकर आए हम। ओके, और इस पर जो रूल एंड रेगुलेशन जो अप्लाई होते हैं उसे आरबीआई एक्ट कहा जाता है, एंड दैट इज पास्ड इन 1934 की में आपका एक्ट पास हो गया, तो 35 में उसको एग्जिस्टेंस में ले आए। आजादी के बाद 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। ओके, ये एक बेसिक सी जो डेट्स में मालूम होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बात करी यहां पे कि वो टीम क्या है जो काम कर रही है आरबीआई में, ऑब्वियसली बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, आपने देखे भी होंगे आसपास इतने सारे ऑफिसेज हैं, बट यस, द हेड ऑफ द एंटायर आरबीआई सिस्टम वो कौन होता है? तो सबसे पहले, तो अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले, तो जो हमारे गवर्नर हैं वो तो उस टीम में है ही, ये तो कैप्टन है जो चला रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें दोस्तों, इनको असिस्ट करने के लिए टीम में वाइस कैप्टन की भी जरूरत होती है, और ऑब्वियसली इनके 4 डिप्टी होते हैं, डिप्टी गवर्नर, ठीक है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और मोस्टली ये देखा गया है कि जब एक गवर्नर रिटायर होता है तो उन्हीं 4 में से कोई आगे आके टेक ओवर करता है, मे बी और मे बी नॉट, हो सकता है कि ना भी करें, बट यस मोस्टली ये चीज देखी जाती है कि हम गवर्नर जो डिप्टी होते हैं वो आगे चल के टेक ओवर करते हैं पोस्ट को। सो एक कैप्टन, ठीक है, और 4 वाइस कैप्टन। सर लड़ाई नहीं होती कि 4 वाइस कैप्टन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ये रियलिटी वाला गेम नहीं हो रहा, यहाँ पे एक्सपर्टाइज की जरूरत है, बहुत सारे एनालिसिस की जरूरत है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 लोग रहते हैं, ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहां पर 4 डायरेक्टर और होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी अपॉइंट करती है एज पर द सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। सर अब ये चीज क्या है? ये जो एक्ट बना है सेक्शन 9 के तहत इसको अपॉइंट करा जाता है। अब आप सेक्शन वेक्शन में मत पढ़ो, मैंने लिख दिया बस, ठीक है, याद रहे, अच्छी बात है। ये बेसिकली 4 डायरेक्टर होते हैं जो
कंट्री के चारों जोन को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट वेस्ट, हर एक जोन का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं, एक हेड डायरेक्टर आप कह सकते हैं, जो अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को, अपने एरिया के जो उनके इश्यूज हैं उनको सामने लेकर आता है और तब ये अपने डिसीजन मेकिंग लेते हैं। तो मतलब हर एक पर्टिकुलर एरिया का रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पर आ गया। ओके, तो यहाँ पे चार डायरेक्टर और आ गए, आगे बढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ है। 10 डायरेक्टर्स, ये भी सीजी ही अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। एंड दोस्तों ये पता है कौन होते हैं? ये होते हैं एक्सपर्टाइज, ठीक है। ये डायरेक्टर हैं इसलिए एक्सपर्टाइज नहीं है, ये एक्सपर्टाइज हैं इसलिए डायरेक्टर हैं। एक्सपर्टाइज का मतलब किसी भी एक व्यक्ति को, किसी भी एक व्यक्ति को अकाउंट्स की, टैक्स की, लॉ की, आपकी आईटी प्रोफेशन की, एग्रीकल्चर की, हर एक की जानकारी नहीं हो सकती, हर एक की जानकारी नहीं हो सकती। तो ये जो 10 लोग होते हैं ना, ये वेरियस फील्ड्स में आपके एक्सपर्टाइज होते हैं, कोई अकाउंट्स का, कोई टैक्सेशन का, कोई कॉमर्स का, कोई रूरल डेवलपमेंट का, कोई एग्रीकल्चर नॉलेज का, तमाम इश्यूज का। सो दे हैव अ पर्टिकुलर टीम ऑफ 10 पीपल कि यार अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई इशू क्रिएट होता है तो उसको वेरियस तरीके से कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उस पर कैसे पॉलिसी फॉर्म की जाए। ओके, लाइक इफ यू आर प्लेइंग इन अ टीम, अगर आप क्रिकेटर की, क्रिकेट की बात करते हो, तो क्रिकेट में भी ऑब्वियसली अगर मैं 3 बैट्समैन लेकर खेलूं, ठीक है, और एक विकेट कीपर हो गया 4, और मैंने जो बाकी सारे 6 हैं उन, सॉरी 6 क्यों, 7 रह गए, उनको बॉलर सेलेक्ट कर ले, 7 बॉलर खेल रहे हैं टीम में, दिस इज नॉट गुड। और मैं 8 बैट्समैन खिला रहा हूँ, 3 बॉलर खिला रहा हूँ, वो भी ठीक नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर बैलेंस लेके चलता हूँ। हर एक का अपना अपना एक्सपर्शन होगा, बॉलिंग में भी कोई फास्ट है, कोई स्पिनर है, कोई मीडियम पेसर है। ओके, सेम थिंग यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो अ टीम। तो 10 एक्सपर्ट बैठाए हुए हैं जिनको वेरियस एरियाज की नॉलेज है और वो ऑब्वियसली अपनी अपनी बात, अपनी अपनी नॉलेज का यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग। ओके, सो ये यहाँ पे हमारे कितने लोगों के दोस्तों, सर 19 लोगों की टीम तैयार हो गई, अभी भी पूरी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं जाऊं नेक्स्ट, तो 2 ऑफिशियल होते हैं ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मतलब वही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी, जो उनके एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो अपनी बात फाइनेंस मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट की सामने रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी मेकिंग में, एडवाइसेस में अपनी अपनी बात कही जाती है। तो ये 2 ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसको कहा जा सकता है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। ये ऐसे नहीं कि जो हमने वो साइन देखे हुए हैं नोट पर और वही यहाँ पर अकेला आदमी है वो काम कर रहा है, ऑब्वियसली अकेले आदमी की बस क्या बात नहीं है, बहुत डेफिनेटली जो गवर्नर है ही और शी व्हाटएवर, डैम जीनियस, एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, और ऐसे ही नहीं बना दिया गया उसको गवर्नर, बट स्टिल एक के लिए बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए काम डिवाइड करना करा गया है, एक पूरी टीम इस पर बैठाई गई है, और टोटल याद रखिएगा दोस्तों ये 21 लोग होते हैं, और ये तमाम 21 लोग मिलकर जो है वो काम करते हैं आरबीआई के रेगुलेशंस के लिए। ओके, सो होप यू गॉट दैट एज वेल। तो ये छोटा सा टॉपिक था नॉलेज आपके लेने के लिए, कोई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, और आपको किसी भी मुद्दे पर इशू हो, इसमें कुछ पॉइंट पूछना हो या कुछ और भी पूछना हो, वो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं नंबर पर, व्हाट्सअप करके, कॉल करके। थैंक यू, प्लीज टेक केयर। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप? देखो, आपके प्रोफेशनल लाइफ को प्रॉपर तरीके से सक्सेस के पाथ पे लाने के लिए हम लोगों ने आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं, CA, CMA, CS, और आपके जो स्कूल के बच्चे हैं उन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली हम सिर्फ और सिर्फ आपके डिग्री से जुड़ी हुई बातों को डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे आपसे जुड़े हुए जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके डिफरेंट मॉक टेस्ट पेपर्स चैप्टर वाइज एंड फुल कोर्स वाइज हम आपसे शेयर करेंगे, साथ ही साथ हम उसका सजेस्टेड आंसर जो होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना सेल्फ जजमेंट कर पाए कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल पे है और कितनी करनी है। यही नहीं बच्चों, इंडस्ट्री में अगर एक अच्छा प्रोफेशनल जो जॉब पाता है उसके लिए कौन कौन से उसके अंदर में एट्रीब्यूट्स यानी कि क्वालिटीज होने चाहिए, हम उनके बारे में भी आपसे बहुत विस्तार में चर्चा करेंगे। इंडस्ट्री में जो लोग प्लेस्ड हैं या जो प्लेस होने वाले हैं या जो अच्छे जगह पे अपनी रैंक लेकर आए, हम उनसे डिस्कशन करके उनके एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करेंगे।
इंडस्ट्री एक कौन कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर चाहती है एक अच्छे प्रोफेशनल बनने के बाद, हम स्टार्टिंग से नए तरीके से आपके साथ डिस्कशन करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। बिलीव कीजिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें होंगी और किसी की बातें नहीं होंगी। तो अपने प्रोफेशन को आप वजन दीजिए, आप उसके तरफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े, लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके चले, जल्दी से जल्दी सक्सेस को पाए और लाइफ को एक अच्छे जगह पे पहुंचाए, अपने सारे सपनों को पूरा करें। इसी मकसद से मेरे बच्चे मैंने और आपने दोनों ने मिलके कुछ मेहनत करना है, उन्हीं चीजों को इन ग्रुप में आपको बताया जाएगा। आप जुड़े हमारे साथ, बिलीव कीजिए सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई की बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी और कोई फालतू डिस्कशन नहीं। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी।